जिन पे चर्चा हो चुकी होती है, हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए चर्चा पर चर्चा, लेकिन जिस पे सरकार सहमति बना लेती है या आप आश्वासन देते हैं उस पे कार्य करने की गति त्वरित होना चाहिए। सरकारों की बात करें, जैसे कि बजट लाती है, कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लेती हैं, घोषणा करती हैं और वो धरातल पे नहीं उतर पाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कार्य पद्धति भी, वो प्रक्रिया भी, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जितना फोकस करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हमने बजट के संदर्भ में कहा, सत्र जरूर छोटा था लेकिन सरकार का तो बजट वही है, उसकी 4 दिन चर्चा कीजिए या 14 दिन, तो सरकार ने बजट किया, तो इसलिए हमने कहा कि जो आप कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो फलीभूत हो, लागू हो, ये जरूरी है। सवाल भी क्रम में भी आया था बजट के संदर्भ में, हम लोगों ने कहा कि गरीबी से सरकार ने नहीं निकाला है लोगों के, राज्य में, देश में कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्तियां बढ़ी हैं और वो लगातार वृद्धि हो रही है, उनकी आय से लोगों की आय जोड़ना, नहीं तो स्थितियां ये हो रही कि आज 20 लाख से 25 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड देना पड़ रहा है, 1000 रुपया लोगों को जो है पेंशन देना पड़ रहा है और तब भी स्थितियाँ जो है वो दुखद हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है, छोटा सत्र था लेकिन क्या उतना ही यूजफुल रहा? क्या जनता के मुद्दे उठे या सरकार सिर्फ अपना बिजनेस कर ली? हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक विनोद सिंह जी हैं। दादा, आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, क्या वाकई में सरकार उतना ईगर दिखती है समस्या का समाधान करने के लिए या सिर्फ नेता चर्चा चाहते समस्या का समाधान? देखिए, चर्चा तो हो, लेकिन जिन पे चर्चा हो चुकी होती है, हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए चर्चा पर चर्चा, लेकिन जिस पे सरकार सहमति बना लेती है या आप आश्वासन देते हैं उस पे कार्य करने की गति त्वरित होना चाहिए। जैसे हम कहें बात सरकारों की बात करें, जैसे कि बजट लाती है, कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लेती हैं, घोषणा करती हैं और वो धरातल पे नहीं उतर पाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कार्य पद्धति भी, वो प्रक्रिया भी, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जितना फोकस करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे अभी हम कहें, बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने अबरख और मायका को लेकर की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन हेमंत सोरेन ने हरी झंडी भी दिखाई थी, लेकिन आज 15 महीने के बाद भी कोई SOP नहीं बनी और फिर एक ट्रक भी मायका और ये सब वगैरह नहीं हुआ, सरकार ने कहा कि बनाएंगे, तो इसलिए हमने बजट के संदर्भ में कहा, सत्र जरूर छोटा था लेकिन सरकार का तो बजट वही है, उसकी 4 दिन चर्चा कीजिए या 14 दिन, तो सरकार ने बजट किया, तो इसलिए हमने कहा कि जो आप कल्याणकारी योजनाएँ बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो फलीभूत हो, लागू हो, ये जरूरी है। तो जो सार्थक चर्चाएं हुई इसमें, चाहे अबू आवास पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई विभिन्न में, तो उसमें जो त्रुटियां हैं वो सरकार सुधार करे, और ये लागू कैसे होगा? आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में कहते हैं कि हम कर रहे हैं इतना राशि, तो लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य के साथ जो दिक्कत है सबसे, मानव बल, तो इस पर अगर नई बेहतर काम हो, नई चीज़ें हो, इसलिए हमने कहा वो नियुक्तियाँ हो, और पिछले दिनों बात हुई थी तो सरकार ने ये शुरू तो किया है, लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके, वो चाहे PGT रिजल्ट की नियुक्तियाँ की प्रक्रिया पूरी कर ले, सिविल इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट निकाला है उनकी नियुक्ति हो, और LDC जो पिछली बार ही पंचायत सचिव में वो लोग जो बाकी रह गए थे उनको नियुक्ति पत्र बांटे, तो थोड़े इस दिशा में बढ़े हुए कदम साबित होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार का अब काम ही हो गया है झूठ बोलना या जनता को गुमराह करना। आप देखिए, केंद्र में सरकार ये दावा कर रही है और झारखंड में भी सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बहुत अच्छा कुशल प्रबंधन किया और इसलिए गरीबी रेखा से इतने लोग बाहर निकले, तो फिर 15 लाख राशन कार्ड बनाया, उसमें भी सिंगल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम गरीबी से बाहर निकाल दिए लोगों को, फिर भी अनाज उतने ही लोगों को दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा मतलब बिल्कुल नहीं। इसलिए तुमने कहा, इसलिए सवाल भी क्रम में भी आया था बजट के संदर्भ में, हम लोगों ने कहा कि गरीबी से सरकार ने नहीं निकाला है लोगों के, राज्य में, देश में कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्तियां बढ़ी हैं और वो लगातार वृद्धि हो रही है, उनकी आय से लोगों की आय जोड़ना, नहीं तो स्थितियां ये हो रही कि आज 20 लाख से 25 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड देना पड़ रहा है, 1000 रुपया लोगों को जो है पेंशन देना पड़ रहा है और तब भी स्थितियाँ जो है वो दुखद है। आप देख रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, वो जल सहिया सेविका हो, ये तमाम असो सरकार ने सस्ते शर्म का शोषण कर रही है, जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और राज्यों में भी फिर उसका दोहराव होता है, उसमें लोगों को योजना आधारित रोजगार दिए जाते हैं, और मुझे लगता है इससे कोई शर्मिंदा करने वाली बात नहीं है। आज देखिए, ऊर्जा दीदी हों, जल सहिया हों, कृषि मित्र हों, पंचायत सेवक हों, प्रधानमंत्री हमें,
और फिर भारत सरकार तो ऐसे पल्ला झाड़ लेती है घुमा करके, निर्धारण वही करती है, उनका चयन भी वही करती है, आदेश भी देती है कि अरे आप कौन, हमने तो आपको कहा ही नहीं था, अब वो राज्यों से और वहाँ से पूछिए। तो मुझे जो बार बार कह रहे हैं, अब ये भी सरकार के कार्यकाल में है कि जहाँ विपक्ष की भी सरकारें हैं, भाजपा तो इस दिशा में पढ़ रही है, तो इस दिशा में ठोस पहलकदमी उठाए, नहीं तो आप साल भर देखें जब सत्र चलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा इन अनुबंध कर्मियों और इन लोगों के सवाल और सेवा से ही जो पूरा रहता है, और सदन में भी देखिएगा तो आधे से ज़्यादा सवाल इसी से संबंधित होते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, केंद्र का सरकार हो, किसी की सरकार हो, राज्य का सरकार हो, किसी की सरकार हो, सदन में मुद्दा तो बहुत अच्छा अच्छा उठता है, विधायकों की संवेदनाएँ भी दिखती है, अगर हल नहीं होता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सिस्टम ऐसा कोकस है कि वो हल नहीं चाहता, या सिर्फ कुछ ऐसी बीमारी होती है जिस पर सिर्फ चर्चा किया जाए और उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ चर्चाएं होती है, कुछ चीज़ें हल भी निकलती हैं, तो इसलिए हमने कहा कि जो हल ना निकलने वाले लेकिन जो चीज़ें हल हो सकती है और वो डिपेंड करती है सरकारों पे, उस पर चाहे जो सरकार इच्छा शक्ति की जो सरकार चला रही है, इच्छा शक्ति है और उसे बेहतर, जैसे हमने कहा कई बार इच्छा शक्ति, जैसे अभी इसी का उदाहरण दें तो इच्छा शक्ति थी, आपने पॉलिसी निर्धारित किया, अब उसके बाद आपने अब रख पर ये भी सारी चीज़ें, लेकिन अब वो तरह तरह से अड़ंगे विभिन्न विभागों के लग रहे हैं, अब उसको मॉनिटरिंग करने वाला कोई एक अधिकारी नहीं है, सचिव बदलते रहे, इसलिए हमने कहा कि आप ने जो घोषणा कर दी छोड़ दीजिए, नई घोषणा की उसकी बात नहीं है, तो वो घोषणा किए हुए वह भी कैसे अमली जामा पहने, उसके लिए मॉनिटरिंग की भी ठोस रणनीति बनानी चाहिए। The follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.